नाम क्या? मेरा नाम सर मुकेश कुमार है। क्या यहाँ पे सर हमारे हुनर हाट मेले में लगाया गया है लिट्टी चोखा। बिहार का स्पेशल फूड होता है ये और काफ़ी पौष्टिक होता है, नेचुरल फूड होता है जिसको कहते हैं प्राकृतिक चीज। इसके अंदर ना गेहूं का आटा होता है, स्टफिंग किया हुआ चने का सत्तू होता है नेचुरल होता है, फिर उसको आग में सेका जाता है, फिर देसी घी में डिप किया जाता है। ये देसी घी है, इसमें डिप किया जाता है, सिकने के बाद इसको डिप किया जाता है। ये इस तरह से डिप किया जाता है इसको और फिर इसको प्लेट में लगाया जाता है। और ये होता है चोखा जो कि आलू बैंगन टमाटर मिक्स होता है चोखा, और ये होता है मस्टर्ड और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी होती है इसके साथ दिया जाता है, और ये हरी धनिया पुदीना लहसुन की चटनी होती है, तीनों को साथ दिया जाता है। बिल्कुल नेचुरल चीज़ होता है ये कि बिहार का स्पेशल फूड है। भैया आप बता दो ना कैसे करा था पहले। हाँ चोखा डाल दे, वो डाल दो सब्जी थोड़ी यार, मेरे से ही चार। ये बिहार का ठकुआ होता है जो कि हमारे बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पूजा, उसमें यूज किया जाता है। और ये लाइट स्वीट होता है, ये कम मीठे का होता है और घी में तैयार किया जाता है सर इसको, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो बनाने की विधि क्या है इसको? इसमें जो ये जो एक बार तैयार हो जाए ना तो ये तो इसे हम लोग रोज बनाते हैं, बट अगर ये तैयार करके रखा जाए ना अच्छे से तो एक महीना तक ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये घी में तैयार होता है और गेहूं का आटा होता है, सूजी होता है, या आप चीनी में बना लो या गुड़ में बना लो आप पे डिपेंड करता है, और एक महीने तक ये खराब नहीं होता है। लोगों की मांग कैसे है इसके? इसकी भी मांग बहुत अच्छी है और ये लिट्टी चोखा हमारा उसका भी मांग बहुत अच्छा है। और एक अनारसा होता है सर, ये कैसे किलो है? ये किलो नहीं सर, पीस के हिसाब से देते हैं। कैसे पीस है? टू पीसेस 50 का है। अच्छा, ये क्या चाहिए? मूंग की दाल का? ये ठेकुआ होता है मूंग की दाल के, कौन से? हाँ जी, ये अनारसा होता है, ये भी स्वीट होता है सर, लाइट स्वीट में। ये चावल का आटा और इसके अंदर स्टफिंग होता है खोए का, उससे तैयार होता है। और ये भी लाइट स्वीट होता है, ये भी घी के अंदर ही तैयार होता है, घी के अंदर फ्राई किया जाता है, काफी अच्छा और काफी स्वादिष्ट होता है ये। भैया ये बना दो एक। और कोई याद आए ना है मुकेश की ऐसे रोड आएगी।